इंडिया इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान सरफराज को कैप पहनने का मौका मिला और उसके बाद वो टेस्ट मैच के अंदर उनका डेब्यू हुआ। डेब्यू मुकाबले के अंदर ही शतक अर्धशतक वो लगा चुके थे और सभी लोग उनके लिए गड़गड़ाहट से तालियां बजा रहे थे। रोहित शर्मा भी बहुत ज़्यादा खुश थे सरफराज खान की इस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन अमूमन देखना पड़ता ही है कि अच्छी चीज़ों को नज़र लग ही जाती है और सरफराज खान की इस बैटिंग को भी किसी की नज़र लग गई और जडेजा की एक छोटी गलती की वजह से और थोड़ी मिसकन्फ्यूजन की वजह से यहाँ पर वो रनआउट हो जाते हैं। हालांकि सरफराज खान काफ़ी दुखी नज़र आते हैं और वो शतक लगा सकते थे जिस तरीके से वो खेल रहे थे। जडेजा ने अब अपनी गलती को ओन किया है और स्टोरी लगाते हुए कहा, फीलिंग बैड फॉर सरफराज खान, इट वॉज माई रॉन्ग कॉल, वेल प्लेड। सरफराज खान काफ़ी अच्छा खेले और जडेजा कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि एक छोटी गलती की वजह से सरफराज का डेब्यू बहुत यादगार नहीं हुआ, यादगार था और सबको ये बात ज़रूर पता थी कि सरफराज का जो डेब्यू है ये हमेशा याद रखा जाएगा। कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि आपका क्या कहना है इसको लेकर और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।